So, good morning to all of you. राइस के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे It is come under the grains, or you can say it is an food crop. It is an food crop. Which crop is an food crop? That is wheat. Okay. What is the name of botanical? सबसे पहले name जो आएगा ट्रिटिकम. सो आपको याद करना है दैट इज ट्रिटिकम स्पीसीज. इफ एनीवन आस्क यू अबाउट द होल और ओवरऑल नेम दैट इज ट्रिटिकम. ओके नेक्स्ट वीट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. सो नंबर वन वीट इज ब्रेड वीट, नंबर टू इज मैक्रोनी वीट, नंबर थ्री इज एमर वीट. Triticum aestivum कौन सा वीट है? डेट इज ब्रेड वीट एंड इट्स क्रोमोसोम नंबर इज 42 एंड इट इज एन हेक्साप्लोइड. हेक्साप्लोइड स्पीसीज. क्लियर क्लास? सो सबसे पहले हम बात कर रहे थे ब्रेड वीट की. तो ब्रेड वीट को हम बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है क्रोमोसोम नंबर इज 42 एंड इस क्रोमोसोम नंबर इज 42 एंड सेट इज कॉल्ड हैप्लोइड सेट. सेट इज कॉल्ड हैप्लोइड सेट and chromosome is hexaploid. Hexaploid. So you can say 6x is equal to 42 or x is equal to 7. ठीक है. So one chromosome पे जो इसके जीन होते हैं that is 7 in the case of bread wheat. Second is ये हमारे इंडिया में 95% टोटल 95% जो कल्टीवेशन होती है वो ट्रिटिकम एस्टिवम की होती है. टोटल इंडिया के अंदर पूरे इंडिया के अंदर जो ब्रेड वीट है उसका 95 टोटल वीट का 95% जो कल्टीवेशन होता है दैट इज ब्रेड वीट. ब्रेड वीट कल्टीवेशन इज 95% इन ऑल ओवर द इंडिया and only 5% are macaroni wheat and emmer wheat. ठीक है. So come to the next type of wheat that is macaroni wheat. So macaroni wheat chromosome number is 28 and its set is haploid or its chromosome number is 28 and sets are quad set or you can say quadploid. You can say quadploid. ठीक है. And all over the India its percentage is only 4% and it is cultivation in mainly in the Madhya Pradesh, Maharashtra and गुजरात. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में कुछ पार्ट्स में मैक्रोनी वीट को हम क्या करते हैं कल्टीवेट करते हैं. नेक्स्ट इज एमर वीट. सो एमर वीट क्रोमोसोम नंबर इज ट्रिटिकम डाइकोकम. ट्रिटिकम डाइकोकम
and its chromosome number is only 14. And in the only 1% of India, all India ke sirf 1% pe kiski cultivation hoti hai, that is amar wheat. And its cultivation mainly in the Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu. So yahan se yaad hona chahiye, bread wheat, macaroni wheat aur amar wheat. Bread wheat 95% pe, macaroni wheat 4%, amar wheat at only 1%. The chromosome number of bread wheat is 42, macaroni wheat is 28, amar wheat is 14. And the botanical name of bread wheat is Triticum aestivum, macaroni wheat is Triticum durum, and amar wheat is Triticum dicocum. Clear acche se? So let me move next. Let us talk about the family of wheat. So family of wheat is Poaceae, or you can say Gramineae. You can say Gramineae. ठीक है, no one gives you Gramineae in the competitive exam. ठीक है, so in the competitive exam the name is Poaceae. Always examiner give you the name Poaceae. Okay, so next, if you talk about the origin of wheat, so origin of wheat is southwestern Asia.
फॉर लूस मट के लिए जो सी ट्रीटमेंट है, लूस मट एक वायरल डिजीज है, वायरल सॉरी इट इज एन फंगल डिजीज, इसको फंगल डिजीज है तो इसको ट्रीटमेंट क्या होता है, सीड को बोने से पहले, बुआई से पहले हम क्या करते हैं, सीड को एक दवाई के अंदर, किसी मेडिसिन के अंदर, किसी केमिकल के अंदर डाल के उसको निकाल लेते हैं, जिससे वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, उसके लिए ठीक है वो उसको अटैक नहीं करता है। लाइक लूज मट के लिए अगर हम सीड को टैबाकोनाजोल 1 ग्राम पर किलोग्राम सीड और वाइटावैक्स से ट्रीट कर दें तो उसके अंदर लूज मट नहीं होगा, आइदर 2 ग्राम पर किलोग्राम बेविस्टिन से कर दे तो भी नहीं होगा, 2.5 ग्राम या 2.5 ग्राम पर केजी सीड को कंट्रोल करने के लिए बहुत जाएगी। ठीक है, टैबाकोनाजोल एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम सीड, वाइटावैक्स एट 2 ग्राम और बेविस्टिन 2.5 ग्राम। नेक्स्ट इज फ्लैक्समट, सो फ्लैक्समट ऑल्सो एन वायरल डिजीज, तो इसके लिए अगर हमें उसको ट्रीट करना है तो हम बेविस्टिन यूज कर सकते हैं, वाइटावैक्स यूज कर सकते हैं, टैबाकोनाजोल यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे 3 ग्राम यूज करेंगे टैबाकोनाजोल, सो हम 3 ग्राम ही यूज कर लेते हैं तो दोनों के लिए वो ट्रीट हो जाएगा, लूज मट के लिए भी और फ्लैक्स मट के लिए भी। उसके अलावा अदर डिजीजेज आती हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, कप्तान और थिराम से एट द रेट 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड के अंदर रूट रोट को कंट्रोल करने के लिए, फुट रोट को कंट्रोल करने के लिए, सीडलिंग ब्लाइट, ब्लैक टिप, ब्लैक स्पॉट ऑफ ग्लूम, इन सब को क्योर करने के लिए हम 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड को कंट्रोल, रूट रोट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, सीड को ट्रीट कर देंगे। नेक्स्ट, ट्रीट द सीड बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले अगर हम ट्राइकोडर्मा विरिडे एट द रेट ऑफ 4 ग्राम पर किलोग्राम सीड से अगर हम उसको ट्रीट करें सो इट प्रोवाइड इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस, तो इससे क्या होता है अंदर सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस आ जाता है किस येलो रस्ट को लेके। ठीक है, सो येलो रस्ट नहीं आती है अगर हम ट्राइकोडर्मा विरिडे से इसको ट्रीट कर देंगे। नेक्स्ट, टर्माइट के लिए, टर्माइट से बचने के लिए हम क्लोरोपाइरोफोस 1 ग्राम, ठीक है, एंडोसल्फोन 2.5-4 ग्राम, इनसे हम सीड को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज आती है ईयर कोकल, सो द इन्फेस्टेड लोड शुड बी फ्लोटेड इन 2 ग्राम, जो सीड है उसको हम 2 ग्राम% ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डाल देंगे, ब्राइन सॉल्यूशन के डाल के। सो इसका पर्पस क्या होता है, इसके जो इन्फेक्टेड सीड होंगे वो अगर ब्राइन सीड के अंदर डालेंगे हम, ब्राइन सॉल्यूशन बना लेंगे हम, तो उससे क्या होगा, जो इसके इन्फेक्टेड सीड होंगे ईयर कोकल के वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, और उनको हम रिमूव कर देंगे और सॉल्ट को रिमूव कर देंगे और उनको बीज को सो कर देंगे। नेक्स्ट इज फॉर सलाइन सोइल एंड सोल्ट वाटर एरिया, जहाँ पे सलाइन सोइल है और जहाँ पे सोल्ट वाटर एरिया है वहाँ पे इसको 3% सोडियम सल्फेट से हम इसको क्या कर दें, 24 आवर के लिए ट्रीट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट इम्प्लांटेशन और यू कैन से डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट्स, ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट द रो टू रो डिस्टेंस दैट इज 22.5 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट डिजीज 10 to 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सोइंग टाइम द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू द लास्ट वीक ऑफ नवंबर, नवंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर देते हैं, नवंबर के लास्ट वीक तक इसको काट ले, सॉरी तब तक हम इसको सो करते हैं। अब मैन्योर की बात करें तो मैन्योर इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है पोटी, तो हम यहाँ पे म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल सकते हैं, SSP डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम DAP डालेंगे, यहाँ पे हम यूरिया डालेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द इरिगेशन,